बेटवा उठ। रानी थोड़ा और सोने दो ना प्लीज। बेटवा उठना। लगता है ग्रैनी ने कसम खाई है कि मुझे ये चांसेस सोने भी नहीं देगी। अरे क्या हुआ ग्रैनी, क्यों रो रही हो? बेटवा एक प्रॉब्लम है। ग्रैनी कभी अपनी प्रॉब्लम्स लेके ग्रैंडपा के पास भी जाया करो। बेटवा वो प्रॉब्लम सॉल्व ना करे, वो प्रॉब्लम बढ़ाए है। वो तो है, लेकिन अब क्यों रो रही हो? बेटवा डांडिया। डांडिया? मैं रिचो और बारबी कॉन्फ्रेंस कॉल में थे और हमारे बीच डांडिया कॉम्पिटिशन की बात हुई है। उनके साथ कॉम्पिटिशन? ओ इसलिए आप टेंशन में हो क्योंकि आपको डांस नहीं आता। अरे आप टेंशन मत लो, कब्रिस्तान की नंबर वन डांसर्स झरझरी फुरपुरी की डांस क्लासेस है ना, उसे आप ज्वाइन कर लो। अरे वो मेरे सामने पानी कम चाय है, मैं तो एक्सपर्ट हूँ। आप एक्सपर्ट हो ग्रैनी, तो आप रो क्यों रही हो? आप तो जीत जाओगी ना। बट आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस यार। आई वॉन्ट अ डांस पार्टनर। कौन बनेगा आपका पार्टनर? तू और कौन? मैं? हाँ। अच्छा ठीक है ग्रैनी, आप टेंशन मत लो, आपका ये बिटवा ना आपका डांडिया पार्टनर बनेगा। जय हुई ना बात। अब होगी डांडिया क्वीन ग्रैनी की नवरात्रि। चलो टॉयलेट साफ कर देता हूं, इस बुढ़ो को मैंने इतनी बार बोला है काम हो जाने के बाद फ्लश कर दिया कर, लेकिन सुनता ही नहीं। ओह नो। ओह नो। ग्रैंडपा। अरे कम से कम कुंडी तो लगा दिया करो। अरे बहुत जोर की आई थी तो जल्दबाजी में मैं कुंडी ही बंद करना भूल गया। बेशरम बुढ़ाऊ कहीं का। ग्रैनी। अरे वाह बड़े दिनों बाद खुल के आई है। ग्रैनी ग्रैंडपा तो समझा दो ना कि वो टॉयलेट यूज करते हुए कुंडी लगा दिया करे। बेटवा मैं तो बोल बोल कर थक गई लेकिन सुनता ही नहीं, मैं तो खुद उसे कितनी बार हफ्ते हुए देख चुकी हूँ। वही तो। वैसे ग्रैनी हम जो डांडिया का कंपटीशन करने वाले हैं ना उसमें जजेस कौन होंगे? बेटवा गीता टेरेस और रैमो को बुला ले और ग्रैंड मास्टर मिथुन भी। तुझे क्या लगता है? सिलेंड्रीना दीदी को रखना चाहिए। अरे ना ना वो करमचली तो मुझे जानबूझ के हरा देगी। और ट्विंस? अरे बिटवा वो तो एक नंबर के नल्ले हैं। इसीलिए तो उनको जजेस रख रहे हैं। और तीसरा कौन? और साथ में इविल नंटी। नो नेवर, वो तो मेरे रंग रूप से जले हैं। इस लोमड़ी जैसी शक्ल वाली औरत को भी अपने रंग रूप पे नाज है। क्या बोला? नहीं कुछ नहीं ग्रैनी, अगर ये तीनों जजेस एक साथ होंगे ना तो चीटिंग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और मैं वहां हूं ना इन पे नजर रखने के लिए। आप टेंशन मत लो। जा इन तीनों को फोन कर दे। आप बस अपनी तैयारी पर ध्यान दो ग्रैनी, डांडिया क्वीन तो आपको ही बनना होगा। यो ब्रो। और कैसी हो सिलेंड्रीना दिद्दे? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है रे छुटुआ? आपका नवरात्रि के फर्स्ट डे पे क्या प्लान है? अरे बहुत बिजी चल रही हूँ, नए बॉयफ्रेंड के साथ गुल्लू गुल्लू करने का प्लान है। क्यों क्या हुआ? अच्छा बिजी हो तो कोई नहीं, हम तो आपको हमारे डांडिया कॉम्पिटिशन में जज बनाने का सोच रहे थे। ओह नो। क्या जज? अरे फ्री हूँ। आप आए ना लाइन पे। कंटेस्टेंट्स कौन रहेंगे? कंटेस्टेंट है ग्रैनी, बार्बी ग्रैनी और रिच ग्रैनी। अरे कबर में जाने की उम्र में बुढ़ियों को डांडिया करने की सूझी है। वही तो। तुम्हारा जजिंग का बजट कितना है? मेरी फीस कितनी रहेगी? हेलो हेलो हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो। अरे मुझे तो तेरी आवाज क्लियर आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो। आई बड़ी वैसे इधर उधर भटकती रहेगी और अभी काम के टाइम पे फीस मांग रही है। और कैसे हो ट्विंस भाई? एकदम मस्त है बिड़ू, तू कैसा है? वो क्या है कि हम अपने नए घर में ना डांडिया कॉम्पिटिशन रख रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम इस कॉम्पिटिशन के जज हो। लेकिन खाने को तो मिलेगा ना बिड़ू? हाँ हाँ खाने को मिलेगा, टेंशन मत लो। आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। चलो फिर मिलते हैं नवरात्रि के फर्स्ट डे पे। ओके बाय। आए बड़े काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। चलो अब इविलन आंटी को फोन कर देता हूँ। हेलो इविलन आंटी। ग्रैनी
आपको कॉन्फिडेंस है ना कि आप डांडिया क्वीन बन पाओगी? अरे शकिच नहीं, तो बस देखता जा, डांडिया क्वीन तो मैच बनेगी लौंडे। अरे अपनी बुढ़िया तो कॉन्फिडेंट लग रही है, बाकी दोनों बुढ़ियों से भी पूछ लो कि वो कॉन्फिडेंट है कि नहीं। अरे पाए लागो बार्बी ग्रैनी, बिटवा बोलू छू। अरे बिटवा कैसा है, कैसे याद किया? तो क्या है कि ग्रैनी की ना कंपटीशन की तैयारी बिल्कुल नहीं है और मुझे नहीं लगता कि जीतने वाली है। आपकी तैयारी कैसे चल रही है? अरे मैं तो गरबा नॉनस्टॉप कर रही हूँ, फाल्गुनी बहन पाठक के गानों पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। तू बस देखता जा, डांडिया क्वीन तो मैं ही बनूंगी। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कंपटीशन के दिन। Hi rich granny, how are you? Pai lagu bichwa here. अरे dude, God bless you. तुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, तू तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता जाए बिटवा। आपकी डांस कॉम्पिटिशन, अरे ऐसे की बात कर रहा है? मेरा मतलब है कि आपकी डांस कॉम्पिटिशन की तैयारी कैसे चल रही है? अरे बहुत कमाल बिटवा, पता है गणेश आचार्य आया था मुझे डांस सिखाने के लिए। मैं तो ऐसा डांस करूंगी कि स्टेज पे रायता फैला दूंगी। चलो कॉम्पिटिशन के दिन मिलते हैं। ओके बाय। वाह बासी कड़ी में तो अभी भी उबाल है, तीनों तो एकदम कॉन्फिडेंट लग रही हैं। देखते हैं कंपटीशन के दिन तीनों क्या करती हैं। चलो ग्रैनी पहला स्टेप। ओके बेटवा, 1 2 3 4। ग्रैनी ग्रैंडपा। अले बाबू तुम जाओ उधर, मुझे प्रैक्टिस करने दो। अरे मैं चुपचाप से डांस देखूंगा, तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा स्वीटी। चलो ठीक है ग्रैनी, फर्स्ट स्टेप 1 2 1 2। वेरी गुड, सेकंड स्टेप 3 4 3 4। वेरी गुड, 5 6। उप्स, मैंने तो बहुत रोका था लेकिन फिर भी छूट गया। उड़ाओ चल भाग यहाँ से, प्यार से बोला था तुझे समझ नहीं आता। ओके जाना। चलो ग्रैनी 1 2 3 4। अरे बस 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 बस, आप डांस क्यों कर रहे हो? अरे थक गई बिटवा, चल तू डांस करता रहे, मैं स्टेप याद करती रहूंगी। ऐसे तो ये बुढ़िया जीत चुकी कॉम्पिटिशन। अच्छा ठीक है, अब बैठे बैठे स्टेप सीख लो। ओके 1 2 3 4। चलो ग्रैनी नेक्स्ट गाना। ओके बेटवा 1 2 3 गो। लाई मैं तो लाई बारों के अफसाने, ग्रैंडपा से 2 3 4 5 6 7 8। नाना मुझे छूना ना, दूर ही रहना, ग्रैनी हूँ मैं। मेन स्टेप कम ऑन, मुझे ना छूना। वेरी गुड, अब ग्रैनी हूँ मैं। अरे मैं तो थक गई भाई साहब, तो मुझे पागल करके रहेगी, कंपटीशन इसका है और डांस प्रैक्टिस मुझसे करवा रही है। ग्रैनी जल्दी उठो, प्रैक्टिस करो ना। आकर करूंगी, अभी तो मुझे पार्लर जाना है बिटवा। पार्लर? अच्छा जल्दी आना, आपको पता है ना हमें नए घर जाना है तैयारियां देखने के लिए। हाँ हाँ टाइम पर आ जाऊंगी, अभी मुझे निकलना है। बाय बिटवा, जल्दी आना। चलो जब तक ये बुढ़िया गई है ना, मैं आराम से रेस्ट कर लेता हूँ। एक बैनर यहाँ से जाएगा और एक बैनर यहाँ। ओके, और जजेस कहाँ बैठेंगे? जजेस को हम लोग ना यहाँ पर बिठाएंगे। हाँ ये अच्छा आइडिया है। और कैसे हैं भैया जी? ऑल गुड मगरू भाई। काहे की तैयारी चल रही है भैया जी? हमारे घर में ना डांडिया कंपटीशन होने वाला है, ग्रैनी बार्बी ग्रैनी और रिच ग्रैनी के बीच में। हम भी आ सकता हूँ का डांडिया देखने? हाँ हाँ श्योर श्योर, मन हो तो थोड़ा गरबा भी कर लेना। ओके भैया जी, सी यू। ओके नवरात्रि ग्रैनी। हैप्पी नवरात्रि। ओले कितना प्यारा लग रहा है मेरा बिटवा। ग्रैनी आप भी बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू माय प्लेजर। बिटवा ये ले एनर्जी ड्रिंक, ये जाकर रिच्चू और बार्बी को दे दे। ये किस लिए? इससे उनको नाचने की एनर्जी मिलेगी, जा जल्दी से जाकर दे दे। ठीक है मैंने देकर आ जाऊं। ओके अच्छा किसी ने देखा नहीं, मैंने इसमें जमाल घोटा मिला रखा है ताकि उन दोनों के पेट खराब हो जाएं और मैं ये डांडिया कंपटीशन जीत जाऊं। बार्बी ग्रैनी। हाँ।
हाँ बिटवा, ये आपके लिए एनर्जी ड्रिंक लेकर आया हूँ। ये किस लिए? इससे ना आपका डांस परफॉर्मेंस एकदम धमाकेदार हो जाएगा। ओह हाउ स्वीट ऑफ यू, जल्दी आ जाओ नीचे। ओके रिच ग्रैनी, रिच ग्रैनी। हाँ बिटवा बोल। रिच ग्रैनी आपके लिए एनर्जी ड्रिंक लेकर आया। तू मेरा कितना ध्यान रखता है बिटवा। इससे ना आपका डांस परफॉर्मेंस एकदम कड़क हो जाएगा। ओह थैंक यू सो मच, जल्दी आ जाओ नीचे, सब वेट कर रहे हैं। ओके ग्रैनी, मैंने रिच ग्रैनी और बारबी ग्रैनी को उनका एनर्जी ड्रिंक दे दिया है, ये आपके लिए। थैंक यू बिटवा, इसे तू टेबल पे रख दे, मैं जल्दी से पूपू जाकर आती हूँ, फिर आकर पीती हूँ। ऑल द बेस्ट, जल्दी आ जाओ नीचे। ओके जल्दी से वॉशरूम जाकर आती हूँ, फिर इसे पी लूंगी। शुक्र है ये ग्रैनी कमरे में नहीं है, मैंने अपना एनर्जी ड्रिंक तो पी लिया है, लेकिन मैं इस ग्रैनी के एनर्जी ड्रिंक में जमाल गोटा मिला देती हूँ। ओह नो, बिटवा जो मुझे एनर्जी ड्रिंक देकर गया है उसमें मैं जमाल गोटा मिलाकर आई हूँ, उसे मैं ग्रैनी के ग्लास के साथ एक्सचेंज कर दूंगी और विनर बनूंगी मैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का नवरात्रि के डांटे कंपटीशन में स्वागत है। अरे वाह, भाभी जी का डांस देखने आए हैं। अरे वाह, मजा आ जाएगा। तो आज की पहली परफॉर्मेंस लेकर आ रही है मेरी ग्रैनी। ओह वाव, आई कैन वेट टू वॉच। ग्रैनी कहाँ रह गई? ठीक है, तो अब आ रही है बारबी ग्रैनी। अरे क्या है स्पाइडर बेबी, देखो तुम्हारा डांस परफॉर्मेंस बाद में रख लेंगे, अभी मत आओ। अरे मुझे कोई डांस वांस नहीं करना, मैं तो तुझे ये बताने आया हूँ कि तीनों बुढ़ियों की डांस परफॉर्मेंस ऊपर चल रही है, जाकर देख ले। क्या? अरे चाची उसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। जल्दी कर, मेरे छूटने वाली है। अरे जल्दी बाहर आ, क्या कर रहा है? आप तीनों को क्या हुआ? अरे बिटवा हमारा पेट खराब हो गया है, बुढ़ों को बोल जल्दी बाहर आए। जमाल घोटा, ओ तो ये उस एनर्जी ड्रिंक का कमाल तो नहीं। तो आपने जो दूसरों के लिए खड्डा खोदा, आप तीनों उसी में गिर गई। इन कर्मचारियों ने ही मेरे साथ कुछ किया है। कुछ नहीं किया, इनकी गलती है। हाय मोरी मैया, डांस परफॉर्मेंस मैं कर लेता हूँ। बड़े दिनों बाद खुल के आई है। बुढ़ाओ जल्दी बाहर आ, अरे बुढ़ाओ जल्दी बाहर आ। अरे वाह क्या बात है, बिल्कुल आग लगी, आग लगी। हाय गाइस, हैप्पी नवरात्रि। तो फटाफट से मोहकमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये नवरात्रि आप किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड सब्सक्राइब करें मेरे न्यू चैनल मोहकमी गेमिंग को, जिसमें मैं न्यू गेम प्ले और गेमिंग वीडियोज लाता रहूंगा। तो सब्सक्राइब करें टू मोहकमी गेमिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें। एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मीट।